खैबर पख्तूनख्वा में सैलून और हजाम की दुकानें जुमे से इतवार तक 3 रोज के लिए खोलने की इजाजत। पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs के मुताबिक चलेगी। तेल की कीमतों के मुताबिक किरायों में भी कमी की जाएगी। सूबाई मुशीर इत्तला'आत अजमल वजीर कहते हैं सरकारी महकमों की छुट्टियों में 31 मई तक तौसी की गई। नरमी का ये मतलब नहीं कि खतरा टल गया, अवामी तहफ्फुज़ के साथ माशी सरगर्मियां बहाल कर रहे हैं। हमने फैसला किया कि हजाम की जो दुकानें हैं, बार्बर शॉप्स जो है, उसको हमने हफ्ते में 3 दिन हमने इजाजत दी। जुमा, हफ्ता और इतवार सुबह से 4 बजे तक उनका टाइमिंग होगा और इसमें तमाम SOPs उसके लिए वो कर दिए गए, मुरतब कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा ने, हुकूमत ने अवामी सहूलत के खातिर पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को SOPs के साथ खोलने की इजाजत दी है। ट्रांसपोर्ट से पाबंदी हटाने के बाद जो तेल की कीमतें हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, वो जिस तरीके से आपको पता है कि वो कम किए गए, उस कम कीमत पे जो है वो उसके मुताबिक किराया वसूल किया जाएगा। तो आम तातीलात है उसमें 31 मई तक तोसी की गई है, जिसका बकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम जरूरी सरकारी दफातर के अलावा दिगर दफातर 31 मई तक बंद रहेंगे। आम तातील में तोसी का मकसद जो है वो हमारा मेन जो मकसद है कि इस वक्त जो कोरोना की वबा है उसके जो खतरात है उसको मद्देनजर रखकर हमने फैसला किया।